दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटिंग लीज क्या होती है। ठीक है, सो दीज आर थोस रेंटल एक्सपेंसेस व्हिच डज नॉट एंड अप इन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, लाइक द राइट टू यूज़। अब क्या होता है कि फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस कंपनीज क्या करती हैं कि इसी एसेट्स जो वो रेंट पे लेती हैं और वो एसेट्स जो है वो जब उनका रेंटल पीरियड ख़त्म हो जाता है, लेट सपोज़ कि अगर वो एक एसेट ले रही हैं और वो जो एसेट है वो कुछ 10 महीनों के लिए लिया है। ठीक है, अब उसके ऊपर उस एसेट के ऊपर वो रेंट पे कर रही हैं। ठीक है, यानी कि किराए पे एक एसेट लिया हुआ है। ठीक है, और जब वो किराया मतलब जब वो एसेट का काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जब यानी कि वो पूरा रेंट पे कर देंगे 10 मंथ के लिए जो उन्होंने पीरियड जिस पीरियड तक उन्होंने लिया है, तो उस पीरियड के बाद वो एसेट वो वापस कर देंगे उसी ओनर को। ठीक है, अब जो ओनर देता है एसेट उसको हम लीसर कहते हैं। ठीक है, और जिसको मिलती है ये एसेट इस्तेमाल करने के लिए उसको हम लीसी कहते हैं। ठीक है, सो जैसे कंपनी के पास काफ़ी सारे राइट टू यूज़ एसेट्स होते हैं। ठीक है, अब ये वो एसेट्स होते हैं जो जिनके पास कंपनी का मतलब राइट टू यूज़ यानी कि जैसे कंपनी के पास राइट होता है इनको इस्तेमाल करने का। ठीक है, फिर आते हैं हमारी एग्जांपल। ठीक है, लेट सपोज़ कि एक कार है, कंपनी ने एक कार ली। ठीक है, अब वो कार जो है कुछ 10 महीनों के लिए ली है। ठीक है, सो आफ्टर द पेमेंट ऑफ रेंट, ठीक है, लेट सपोज़ कि हर मंथ की जो पेमेंट है वो 10,000 पे करती है। ठीक है, मतलब 10,000 की रेंट पे लिया हुआ है। ठीक है, हर मंथ कंपनी जो है वो 10,000 पे करती है कार के ओनर को जिसने जो है कंपनी को ये कार दी है। ठीक है, रेंट पे इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, और कंपनी जो है वो अब इसको जो है वो क्या कहते हैं 10 मंथ के लिए इस्तेमाल करेगी। ठीक है, सो आफ्टर द पेमेंट ऑफ द ओनरशिप विल नॉट चेंज द लीजर इज स्टिल द ओनर। ठीक है, जब 10 साल के बाद ये इस्तेमाल मतलब 10 साल तक ये रेंट पे करती रहेगी कंपनी 10,000, तो आखिर में जो है वो ओनरशिप स्टिल जो है वो एक मतलब असली ओनर की रहेगी। ठीक है, जो कि इस सूरत में हमारा लीसर है। ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द ऑपरेशनल लीज। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कैपिटल या फाइनेंशियल लीज। ठीक है, कैपिटल फाइनेंशियल लीज वो रेंटल एसेट्स होते हैं जिनके पूरी रेंट पेमेंट करने के बाद वो उनकी जो ओनरशिप है वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर थोस रेंटल एसेट्स विच एंड अप इन द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप यानी कि जो ओनरशिप है पहले लीसर के पास थी, अब ये लीसी के पास आ गई। यानी कि लेट सपोज अगर एक कंपनी ने कोई एसेट्स खरीदे, ठीक है, और वो रेंट पे खरीदे, ठीक है, लीज पे खरीदे हम बेसिकली, फिर जब उन्होंने वो तमाम लीज की पेमेंट कर ली, तो तमाम लीज की पेमेंट करने के बाद वो एसेट अब किसका हो जाएगा, उस कंपनी का हो जाएगा और उसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब तक वो लीज़ की पेमेंट होगी तब तक वो एसेट जो है वो उसी बंदे का ही रहेगा। ठीक है, जिस बंदे ने कंपनी को सेल आउट किया है। तो बेसिकली ये जो है एक तरीके से हायर परचेस, अगर आपको पता हो तो हायर परचेस में भी यही होता है कि आप जो है सेल करते हो लेकिन उसकी जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट होती है, जो आखिरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट आती है, तो तब वो जाके सेल होता है। ठीक है, सो विद द रिस्क एंड रिवॉर्ड एज देयर आर ट्रांसफ़र रिस्क और रिवार्ड भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, फिर अब कुछ भी हुआ एसेट को वो उसके ऊपर है। ठीक है, कंपनी के ऊपर है। ठीक है, सो देयर आर एसेट, सो वी पुट देम ऑन द बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये क्योंकि ये कंपनी के एसेट होते हैं और इनकी जो एंड रिजल्ट में ये ओनरशिप कंपनी की पास आ जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, तो कंपनी जो है कि इनको अपना एसेट ही मानती है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं जैसे कि कंपनी ने लोन लेकर एसेट लिए हो। ठीक है, तो कंपनी जो है इनको अपनी बैलेंस शीट पे लिखती है, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाती है। ठीक है, और अदर चार्जेस लगाती है जैसे मेंटेनेंस और टैक्स वगैरह, ये टैक्सेबल भी होते हैं। ठीक है, सो जैसे कि हमारे पास अनदर एग्जांपल है कार की। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर द रेंट पेमेंट द ओनरशिप विल चेंज एंड नाउ द लीसी इज़ द न्यू ओनर। ठीक है, ओनर ऑफ द कार। ठीक है, अब क्या होगा कि लेट सपोज के उसने 10 मंथ के लिए लिए है। ठीक है, कार को। ठीक है, तो 10 मंथ तक उसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करता जाएगा कार की, और फिर जब ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाएगी तो ये कार जो है ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, कार अब वापसी ओनर के पास नहीं जाएगी बल्कि कंपनी के पास ही रहेगी। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल लीज या कैपिटल लीज। ठीक है,
ना इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग लीज की जान रहे हैं, और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम खाली बेसिक बेसिक्स वाली पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि एक आइडिया लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि आईफर्स और गैप की जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है इनकी अकाउंटिंग, ठीक है। तो हम फिलहाल उस मतलब वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, वो एक अनदर टॉपिक है, ठीक है। सो जब एक कंपनी जो है उसको रेंट पे लेती है या लीज पे लेती है, तो वो उसको अपना लीज एक्सपेंस मानती है, ठीक है। तो जैसे लीज एक्सपेंस जो है उसको डेबिट कर देगी और कैश को क्रेडिट कर देगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये रेंटल एक्सपेंस की तरह होता है, जैसे रेंट एक्सपेंस होता है उसी तरीके से ये लीज एक्सपेंस होता है, ठीक है। और ये भी मतलब एक फिक्स्ड चार्ज के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। मतलब ये फिक्स्ड होता है ना कि हर साल जो है वो मतलब हर महीने कंपनी जो है वो 60,000 पे करेगी, ठीक है। फिर अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑफ फाइनेंशियल लीज, ठीक है। सो वी विल ट्रीट इट लाइक वी हैव परचेज एन एसेट ऑन डेट, ठीक है। इस तरह हम इसको ट्रीट करेंगे जैसे हमने डेट पे परचेज किया है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी होगी और इसकी जो है वो लीज की पेमेंट भी होगी, ठीक है। और लोन, सो वी विल रिकॉर्ड इंटरेस्ट एज वेल एज द रीपेमेंट एंड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। एसेट जो एसेट होगा जो हमने लीज पे लिया होगा उसका हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी निकालेंगे, ठीक है। सो ड्यू टू सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो एक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि बोलता है कि अगर कंपनी इसके पास सब्सटेंस हो, ठीक है, लेकिन भले ही वो सब्सटेंस जो है वो कंपनी ने उधार लेकर लिया हो, लेकिन कंपनी का मतलब अब कंपनी के इस्तेमाल में, और जब कंपनी जो उधार उसका वापस कर देगी तो वो जो सब्सटेंस है यानी कि जो एसेट्स है वो कंपनी का हो जाएगा, ठीक है। तो सब्सटेंस और फॉर्म का मतलब है कि अगर उसकी फॉर्म भले किसी भी हो लेकिन सब्सटेंस मैटर करती है, ठीक है। सब्सटेंस यानी कि आप एसेट है किस फॉर्म में लिया, डेट की फॉर्म में लिया, ठीक है। उधार लेकर वो एसेट लिया तभी भी वो एसेट जो है कंपनी का माना जाएगा, कंपनी के बैलेंस शीट में आएगा और डेप्रिशिएबल होगा, ठीक है। सो ड्यू टू सब्सटेंस और फॉर्म वी विल पुट देम ऑन आवर बैलेंस शीट, ठीक है। इवन दो द ओनरशिप हैव नॉट बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है ओनरशिप, ओनर कोई और है, ठीक है, एसेट का, लेकिन हो जाएगी, हमें पता है कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी सब जब ये सब्सिक्वेंट पेमेंट्स हो जाएंगी, ठीक है, और रीपेमेंट हो जाएगी लीज की तब, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।